राहुल गांधी जल्द भारत जोड़ो यात्रा की तीसरी कड़ी लेकर आ रहे हैं। जी हां, इसकी जानकारी खुद राहुल गांधी ने ही दी है। राहुल गांधी ने 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में राहुल गांधी बच्चों के साथ जुजुत्सु की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल ने बच्चों को कई पैंतरे भी सिखाए। देखो सर्कल यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है, अब ये देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, उस पे जाएगा और यहाँ खत्म होगा। राहुल ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की तो हमारे शिविर स्थल पर हर शाम जिजुत्सु की प्रैक्टिस की जाती थी। जो चीज फिट रहने के लिए एक सरल तरीके के रूप में शुरू हुई, वो तेजी से एक सामुदायिक गतिविधि में बदल गई, जिसमें उन शहरों के साथी यात्रियों और युवा मार्शल आर्ट छात्रों को एक साथ लाया गया जहां हम रुके थे। हमारा लक्ष्य इन युवा दिमागों को जेंटल आर्ट की सुंदरता से परिचित कराना था। हमारा उद्देश्य उनमें हिंसा को सज्जनता में बदलने का मूल्य पैदा करना, उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने के लिए उपकरण देना है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप में से कुछ को जेंटल आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जा सके। राहुल ने अंत में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही आ रही है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, दिख रहा है सर्कल, इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूं। देखो सर्कल यहां शुरू हो रहा है, ठीक है, अब ये देखो यहां से जाएगा, यहां आएगा, उस पे जाएगा और यहां खत्म होगा। देखो ये करना, इसका दूसरा तरीका वही चीज बट बिना कंधे के डायरेक्ट इस पे। राहुल ने अपने पोस्ट के अंत में सिर्फ इतना ही बताया कि भारत जोड़ो यात्रा जल्द फिर से शुरू होगी, लेकिन उन्होंने इसके साथ कोई और जानकारी साझा नहीं की। पिछली दो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल देश के दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम की यात्रा कर चुके हैं। इस बार की यात्रा का स्वरूप क्या होगा, इस पर काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या राहुल इस बार उन राज्यों में जाएंगे जहां अपनी दोनों यात्राओं के दौरान सबसे कम समय के लिए वो गए थे? इस बार की यात्रा की रूपरेखा क्या होगी? इससे पहले राहुल न्याय यात्रा चला चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि राहुल की इस बार की यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना रहेगा। हालांकि ये सब अटकलें हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण में इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया था और इसकी शुरुआत 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से हुई थी और भारत के पूरब से पश्चिम की ओर ये यात्रा चली थी। राहुल ने इस दौरान 6600 किलोमीटर की यात्रा की थी और 16 मार्च 2024 को यात्रा मुंबई में जाकर खत्म हुई थी। वही भारत जोड़ो यात्रा के पहले संस्करण में यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर 12 राज्यों को कवर करते हुए। टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।